My name is Amna Beg. I'm the Assistant Superintendent of Police serving with the Islamabad Police right now. I also overlook all the crimes that are associated with women in the city. हमने जी इस्लामाबाद पुलिस के प्लेटफॉर्म से एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया है और वो जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट हमने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे सोसाइटी में जितने भी वनरेबल सेगमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस टू जस्टिस उनके लिए आसान कर सकें एंड थ्रू दिस यूनिट वी आर ट्राइंग टू काउंटर वायलेंस. जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट जी एक वॉक इन फैसिलिटी है और इसके साथ ही हमारे पास एक 24-hour हेल्पलाइन है जो इसको सप्लीमेंट करती है. और इसको बनाने का मकसद ये था, हमें अंदाज़ा हो गया था कि बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हमारे जो हैं वो पुलिस स्टेशंस को अप्रोच नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रीजंस. सो वी एस्टैब्लिश दिस यूनिट जिसमें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कॉल फ्रॉम द फर्स्ट इंटरेक्शन टिल द कम्प्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आपका इंटरेक्शन सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स के साथ होता है. हम ना सिर्फ आपको रिस्पॉन्डिंग टीम ख़वातीन ऑफिसर्स की भेजती हैं, इनफैक्ट आपका केस जो है वो भी रजिस्टर ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स करती हैं. So the model was that from the start of the interaction with the law enforcement agency, which is Islamabad Police, till the end and till the completion of your investigation, everything would be handled by lady police officers. In the past 3 months, since it has been established, we have received around 550 complaints. Half of them were walk-ins and half of them were calls. उससे अंदाज़ा हमें ये हुआ कि ये 550 ट्रांसजेंडर जिनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो वल्नरेबल सेगमेंट से थे वो इस्लामाबाद पुलिस को शायद ना अप्रोच करते अगर ये जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट ना होता. हम ये समझते हैं कि बाय क्रिएटिंग दिस यूनिट वी हैव इंक्रीज्ड एक्सेस टू जस्टिस फॉर दीज वल्नरेबल सेगमेंट्स. सो आई कम फ्रॉम अ वेरी कन्वेंशनल फैमिली और जब मैं आई वॉज ग्रोइंग अप सो वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ फीमेल रोल मॉडल्स. हम लोगों को बहुत सारी पावरफुल पोजिशंस में ख़वातीन नज़र नहीं आती थी और हमेशा जो थे वो आदमी जो थे दे वुड बी टेकिंग अप दीज पोजिशंस. And this was one of my goals. I decided के जो areas, जो public के sectors हैं जहाँ पर ख़वातीन के लिए शायद इतनी opportunities नहीं हैं उनको explore करने की बहुत ज़रूरत है. And since I joined Police Service of Pakistan, I've also realized कि यहाँ पर actually बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ख़वातीन की. Female police officer make up around 1.6% of the total police force in Pakistan, whereas half of the country's population is women. We're very low on human resource in terms of lady police officers for Pakistan. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वायलेंस जो डोमेस्टिक वायलेंस का है उसका एक पेंडेमिक चल रहा है और उसको काउंटर करने के लिए हमें ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज एक खातून जो है वो एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है. और उसमें हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो शायद रिपोर्ट नहीं करती अपने वायलेंस को जस्ट बिकॉज उनको एक मेल पुलिस ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. जब तक ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स और नहीं इंडक्ट होंगी पुलिस सर्विस में तब तक हमारे लिए शायद मुमकिन ना हो कि हम कम्प्लीटली वायलेंस को जो है वो एड्रेस कर सकें. मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जो वायलेंस है उसको आप रिपोर्ट करें. रिपोर्टिंग जो है इट सेव्स लाइव्स. आई हैव सीन दैट इन द पास्ट 5 years ऑफ माई सर्विस कि चाहे जिस तरह का भी वायलेंस है आप उसको ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि जो परपेट्रेटर है जिसने आपके साथ जो वायलेंस किया है जो गलत काम किया है उसको पता चले कि वट एवर ही हैज़ डन दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस. हमारे माशरे में आज तक बहुत सीरियस सवियर किस्म के वायलेंस को भी क्रिमिनल नहीं समझा जाता. इनफैक्ट आपका कानून उस चीज़ को क्रिमिनल कंसिडर करता है. सो मैं ख़वातीन को यही कहूँगी कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपके साथ वायलेंस हो रहा है चाहे वो आपका फिज़िकल वायलेंस है चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस है प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें बिकॉज रिपोर्टिंग इवेंचुअली सेव्स लाइव्स.